दोस्तों नमस्कार, हम बेहद ही आसान तरीके से चेक करके बताने वाले हैं कि आपका संबल कार्ड बना है कि नहीं बना है। आपको पता ही है कि संबल 2.0 योजना स्टार्ट हो चुकी है, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, जिससे आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक भी दे दी है, जिससे आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लगातार सरकारी योजनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और हमें टाइप करना है संबल पोर्टल। तो चलिए हम टाइप कर देते हैं संबल पोर्टल और इसे सर्च कर देते हैं। इतना करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ सामने दिखाई देगा कि यहाँ लिखा है संबल पोर्टल जन कल्याण पोर्टल श्रमिक। हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज हमें इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि हमें इस तरह से अगला पेज दिखाई देगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ हमें 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है बेनिफिशरी डैशबोर्ड, हमें इस पर क्लिक करना है। या फिर यहाँ लिखा रहेगा हितग्राही डैशबोर्ड, तो दोस्तों हमें यहाँ बेनिफिशरी डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें अपनी मेंबर आईडी या फिर सदस्य आईडी जो 9 डिजिट की रहती है, 9 अंकों की, हमें वो डालनी है। दोस्तों वो हमारे समग्र आईडी पर लिखी हुई होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मेंबर आईडी या सदस्य आईडी डाल देते हैं और यहाँ लिखा है सी डैशबोर्ड, हम इस पर क्लिक करते हैं। चलिए हम यहाँ डालते हैं और सी डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पब्लिक रिपोर्ट पर नीचे हमें यहाँ देखना है, तो यहाँ हमें श्रमिक पंजीयन जानकारी दिख जाएगी। दोस्तों हमें आवेदन दिनांक भी दिख जाएगी और उसी के नीचे पंजीयन की स्थिति, हमारा नाम, जिस भी हमने मेंबर की आईडी डाली होगी उसका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और व्यवसाय, ये सभी दोस्तों हमें जानकारी दिख जाएगी। और रही दोस्तों मेन बात, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ लिखा है श्रमिक भौतिक सत्यापन। दोस्तों यहाँ लिखा है श्रमिक भौतिक सत्यापन, तो दोस्तों हमें यहाँ चेक कर लेना है कि सत्यापन स्थिति पात्र है या अपात्र है। तो दोस्तों यहाँ अगर पात्र है तो पात्र है, अपात्र है तो अपात्र है। चलिए दोस्तों तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी योजनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।